बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 जनवरी की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बड़ी बड़ी ख़बरें जो है हमारे पास आ चुकी हैं। आज बहुत बड़े फैसले जो है वो होने जा रहे हैं। कुछ तजावीज़ जो है वो भी हमारे पास आ चुकी हैं कि इस मीटिंग में क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बड़ा फ़ैसला होगा इस मीटिंग में वो ये होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो मई में होंगे या जून में होंगे। इसके अलावा जो स्कूल्स के एग्ज़ाम है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, उसके बारे में भी फैसला किया जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक इंटर या क्लास 1 से क्लास 8 तक है वो MCQs टाइप होंगे या पहले की तरह पेपर पैटर्न के मुताबिक होंगे, इस पर भी फैसला किया जाएगा। तजावीज़ जो है वो पेश की जा रही हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी तलीमी इदारे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो कब ओपन किए जाएंगे आज उस पर फैसला किया जाएगा। और तजावीज़ ये है कि मार्च तक मज़ीद छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए। अगर छुट्टियाँ मज़ीद बढ़ा दी जाती है तो प्राइवेट स्कूल सेक्टर ने लॉन्ग मार्च करने का फैसला किया हुआ है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के बारे में भी इस मीटिंग में बात की जाएगी, क्या उन स्टूडेंट को प्रमोट करना है या फिर उनके एग्ज़ाम लेने हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। इस मीटिंग के बाद ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर होने वाली हैं। आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। जब इसका हतमी फैसला आएगा तो आपके साथ जो है इसी चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।